अभी 7-8 बार है वो किसान के ऊपर घर चढ़ा दे, देश बेच दिया इन्होंने, किसान मजदूर इनको वोट नहीं देना। हिंदू मुस्लिम पर झगड़ा करवावे या बात यहाँ चलने के, इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, किसान परेशान है। अब इन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश को खूब लुटा। उत्तर प्रदेश चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्व बड़ा ही खास है, क्योंकि यह वो जगह है जिसने पंजाब के साथ मिलकर उस सरकार को झुकाया जो पिछले 7 वर्षों से कहीं से भी झुकती नजर नहीं आ रही थी। इस वक्त हम शामली में हैं, यह विधानसभा है, पहले फेज में यहाँ 10 तारीख को चुनाव है। आइए, यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, चौधरी बैठे हुए हैं, कहते हैं किसान होते हैं, ये गन्ना का बेल्ट है, ये आइए इनका रुझान समझते हैं कि जो ये दिल्ली से वादा करके लौटे थे उसी पर कायम हैं या फिर अमित शाह इन पर असर करने लगे हैं। जाट और मुस्लिम जाट और हिंदू जाट के बीच का झगड़ा समझते हैं, उसके अलावा अन्य जातियों का भी रगड़ा समझते हैं, और यह भी समझते हैं कि आखिरकार मिजाज और मन 10 तारीख को किस ओर जा रहा है। कपिल, बताइएगा कि अभी जो है जिस तरह से डोरा डाल रही है बीजेपी जयंत चौधरी पर, उसका कारण क्या समझते हैं? जब जो कोई चोर हो ना वो सफाई ज़्यादा देख रहा है। हाँ। अब इनका सफाई देने का नंबर आ रहा है, ये सफाई देते फिर हैं। अब इन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश को खूब लुटा, केंद्र में तो ये लूट ही रहे पिछले 7 साल से, पर 5 साल तो इन्होंने उत्तर प्रदेश खूब लुटा। अब ये सफाई देते फिर है, हमारा समर्थन कर दो, पर अब जनता जागरूक हो गई है, अब कोई इनका समर्थन करने वाला नहीं है, कुछ ही कह लो। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोग कुछ लोग कह रहे हैं मजबूरी में हुई, कुछ रार डाल दिया है बीच में अखिलेश और जयंत के, इसका कोई सच नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भाई सब अपने में करें, अपनी बात बड़ी रखे हैं। आज ही बात याद आई कि 13 महीने वहाँ किसान बैठ रहा, जब क्यों नहीं बोल ले बीजेपी साथ एक बिन्ने पीछे या 10 दिन पीछे आगे थे, लब हम थारी साथ हैं। किसानों को खूब कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, पता नहीं अय्यास कहा, के कहा, सब आरोप झेल का, हम 13 बिन्ने वहाँ बैठे रहे, तो थोड़ी बड़ी बात है। और आज यहाँ आके सफाई दे रहे, अगर हमारा समर्थन कर दो, हमारा साथ दे दो, कैसे देंगे आप ही बताओ। चलिए और भी लोगों से समझते हैं। भाई साहब ये बताइए कि जो यहाँ जिस तरह का गठबंधन है, गठबंधन में आपके हिसाब से क्या जाट समाज में पिछली बार जो वोट दिया था भाजपा को वोट दिया था, इस बार का मूड कायम है या बदल रहा है? आज अब की बार तो जी सब गठबंधन के साथ में, सब परेशान हो गए जी सरकार से। एक तो खेतों में जी बिजार छोड़ दिए इन्होंने, और एक ना गन्ने का पेमेंट दिया जी इन्होंने ठीक दाम, तो ना गन्ने का दाम बढ़ाया जी। पेस्टिसाइड देख लो आप, डीजल देख लो जी, बिजली की महंगाई देख लो जी, कितनी होगी, कहाँ से घर चला होगा किसान। अरे बार बार पागल बनावे, हिंदू मुस्लिम पर झगड़ा करवावे या बात यहाँ चलने के लिए, यहाँ सब भाईचारे तो रहे थे जी, अरे बिनु ही रहेंगे, सब भाईचारे का काम है जी। दो बड़ी बातें कही इन्होंने, एक तो खेतों में पशु छोड़ दिए हैं, ये एक बड़ी समस्या इस इलाके की। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या चाचा मुश्किल आ रही है? हाँ मुश्किल आ रही, किसान परेशान है, जितना किसान का गन्ने का पैसा मिल रहा और इन्होंने वादा किया था, इनके पिछले उसमें भी था 15 दिन में पेमेंट देंगे, इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, छल कराया किसान के साथ में। जो वहाँ धरना चला 1.5 साल के करीब, 1.25 साल, वहाँ 700-750 आदमी मरे, इन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं। अब इनके कान में जून चली, भाई किसान को बका लो, किसान बका ही मनियाने का। अच्छा कपिल, अगर योगी की सरकार बन जाती है दोबारा, तो जाहिर तौर पर जो आप MSP वाली मांग है वो लटक जाएगी या मिल जाएगी? अब मैं तो इन्हों लग रहा जी वो लटकेगी। कारण क्या हो रहा, वन तो इन्होंने वादा करके हम उठा दिए। हाँ। पर वादा खिलाफी, और परसों को हम 31 तारीख में हर तहसील पर प्रदर्शन कर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे और बड़े स्तर पर कर रहे पूरे देश में। कुछ और किसानों से पूछते हैं, ये सभी किसान हैं, अलग अलग शक्ल में नजर आ रहे हैं आपको, पूछते हैं वो 2022 आ गया है, बीत भी काफी दिन गए, शायद आज 28 तारीख है, 2022 में जो किसानों की आमदनी दुगुनी होती, आ गया है पेमेंट पैसा जेब में? हमारी तो जो 100 रुपये थी वह 70 रुपये भी नहीं छोड़ी इन्होंने, हमारा तो बकाया पिछले साल का ही पेमेंट रुका हुआ है। हाँ। और ये झूठ बोलते हैं, मदारी हैं, मदारी वाला काम कर रहे हैं, सरकार में इनमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सब किसान मजदूर 36 बिरादरी इन्होंने बिल्कुल परेशान कर दी, और अब ये हिंदू मुस्लिम के नारे पर वोट मांगे हैं। पश्चिम में इनकी कहीं कहीं दीवार बढ़ाकर कहीं वोट सीट नहीं आने की, 80% लोग इनके खिलाफ वोटिंग करेगा। अभी 10 तारीख की जो फरवरी में चुनाव है, सारी सीट हारेंगे, कहीं कहीं दीवार बढ़ाकर इनका, किसान मजदूर इनको वोट नहीं देने का। अच्छा ये बताइए कि आखिर अमित शाह को क्यों उतरना पड़ा मैदान में, क्या वजह है? अमित शाह तड़ी पा रहे हैं, वो खिलौना है, खिलौना,
वो सारे जाने हुनर और बदमाशी का और शराफत का हो। ये जो गिन के लेगा 253 हमारे किसान भाई, ये सारे फर्जी हैं। यहाँ तीन नाटक कहने लगा भाई हम तो वोट देंगे गठबंधन को, क्लियर कह रहे बका के ले गए तो इन्हें। अच्छा यहाँ से बुला के ले गए थे, बुला के दिल्ली में, जो दिल्ली में हाँ। अपने अपने आदमी को ले गए बुला के। अच्छा जो अपने आदमी भाजपा माइंडेड लोग है वे इन्होंने 50 गांवों में तो बटले कर लिए और उन्होंने ले जाकर ड्रामा कर दिया। उनका तो यहाँ बहुत विरोध विरोध हो यार, उन्होंने इस बात की क्षमा मांगी, हम चले गए। देखो किसान बिरादरी या अपनी बिरादरी से ऊपर कोई नहीं जा सकता, किसानों के साथ उन्होंने 13 विनय छल करा तो आज कैसे चल जाएगा कोई। ये एक बड़ा सवाल है बिल्कुल, इस सवाल को लेकर और लोगों के पास भी चलते हैं। किसानों की बिरादरी के साथ छल किया, तो क्या छल का क्या होगा? बस छल का तो जी हमें इतना पता, हमारे टिकेत साहब राकेश टिकेत जी परसों डिबेट पे बैठे थे, सुरेश राणा जी थे गन्ना मंत्री, उनसे एक सवाल पूछा, कहने लगे मुझे यू बता दे 1 किलोमीटर पर उसका मकान है थाने भवन फैक्ट्री से, 13 पेमेंट हो गया के बात को घुमावे। सुरेश राणा जवाब नहीं दे पाया। हाँ फिर दूसरी में भी आ जाए उसके फर्क, जवाब नहीं दे पाया। और वो इससे ज्यादा क्या है, जब गन्ना मंत्री जवाब नहीं देते हैं तो भी चोद के देंगे। मतलब मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर घर है सुरेश राणा। हाँ और वो फैक्ट्री पे ले पैसे अपना मन मर्जी के, मंसूरपुर भी तो कर रहा, टिकोला कर रहा, इस फैक्ट्री पे क्या पता गिर शामली पर उन पे। हाँ हमारी बराबर का डिस्ट्रिक्ट है, हाँ ये मुजफ्फरनगर, हाँ उसका पिछले सीजन का सारा भुगतान हो गया और अब के सीजन का भी उसका लगभग 50% भुगतान हो गया। और हमारे यहाँ अभी 500 करोड़ रुपए बकाया है हमारे डिस्ट्रिक्ट का। और हमारा दुर्भाग्य यूँ है कि हमारे ही अंक का गन्ना मंत्री है जिले का, यूँ दुर्भाग्य है हमारा। अगर कोई पूरा बका भी होता वो भी करवा देता। मतलब सुरेश राणा गन्ना मंत्री हैं, यही थाना भवन से विधायक हैं ना, थाना भवन से विधायक हैं और भी कुछ लोगों समझते हैं। ये बताइए जब सुरेश राणा जैसा व्यक्ति, जब वो हिंदू मुसलमान करके ही उनको जीतना है तो गन्ने की क्या फिक्र है उनकी? फिक्र तो सर करनी पड़ेगी। फिक्र तो सबसे पहले ये है, देखो इसमें एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, सबसे पहले तो यह पढ़ा लिखा हर आदमी इस बात को समझ रहा, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि विचारधारा की इसलिए कभी 80-20 की बात करते हैं, 80-20 की बात करके इससे भला नहीं होने वाला किसी का भी। भला होगा रोजगार से, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की उन्होंने जो तय की थी वहाँ पर पूरी तरह सरकार फेल है, युवा त्रस्त है, किसान भी किसानों का बुरा हाल है। किसानों की जो हार हुई थी पहली बार उनका युवा उनसे छटक गया था, लेकिन किसानों की जॉब की बार जीत है, युवा बिल्कुल मजबूत है, उनके साथ खड़ा है। चलिए ये एक बड़ी बात कही इन्होंने कि युवा और किसान दोनों का एक मेल है जो इस बार योगी सरकार को भुगतना होगा, कुछ और लोग खड़े हैं। ये बताइए क्या वाकई जमीन पर भी ये हालत है कि युवा और किसान एक साथ हैं? युवा किसान और मजदूर सब एक साथ हैं क्योंकि पीड़ित सब है। बिजली की जो दर है पिछले 5 साल में लगभग में 3 गुनी होगी घरेलू, और खेत की डबल होगी। अभी अभी तो कुछ माफी की बात श्रीकांत शर्मा कह रहे थे। नहीं नहीं माफी नहीं, सिर्फ एक पोस्टर जारी करा उन्होंने। अच्छा, हम जो है आने वाले टाइम में बिल हाफ कर देंगे आने वाले टाइम में। और जो 5 साल उन्होंने लूट करी उसका हिसाब कौन देगा भाई? ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि चुनाव आते ही माफी का पोस्टर जारी कर दो और कह दो अगली सरकार में ये कर दे। उसका कोई जियो नहीं आया। हमारे हमारे जो ऐसी है बिजली विभाग के, हमने कहा भाई क्या आया ये खाते में 15-15 लाख, उन्होंने जो है ये कहा हमारे पास कोई जियो नहीं आया, एक पोस्टर जारी होया, अब हम उस पर क्या बोल सके? अगर चुनाव में वे जीत गए तो ना दे। अधिकारी वाकई क्या बोले, जियो जब तक नहीं आता अधिकारी क्या कह सकता? चाचा एक नई बात कह रहे हैं जिसको अब देश शायद भूलने लगा है, वो ये कि 15 लाख रुपए खाते में कहाँ है 5 साल बाद फिर याद आया। काला धन बताओ थे जी, तो काला धन विदेश तले आ गया, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल लगे, 5 रुपए नहीं गिरे उनके, 5 से भी खा गए। गैस का है सिलेंडर 930 रुपए का हो रहा, महंगाई इतनी है, सिरसों का तेल 200-225 रुपये है, और नाज पर फोटो लगा रहे, कह रहा नाज पर फोटो लगा के वोट लेनी चाह रहे, गरीब को बका रहे, लुट्टा लग रहे उसे, नू पीस दिया मजदूर किसान इन्होंने, बिल्कुल कतई पंखा मार लग लगे, देश बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दी, टेलीफोन बेच दिया, निजीकरण करने लग रहे, रोजगार खा गए सब, रोजगार खा गए जितने भी बच्चे थे, किसी की भर्ती नहीं हुई। मतलब ये किसान सिर्फ ये नहीं समझते बल्कि यह भी समझते हैं, ये शादी कर रहे हैं निजीकरण की बात, क्या क्या बेच दिया इन्होंने? निजीकरण में पूरा तो रख दिया, पूरा सब कुछ, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अच्छा हाँ, तो रेलवे टाटा का रेलवे
रेल बेच दी, BSNL बेचने जा रहे और आपके जो है रेल बेच दी, जहाज बेच दिए और अडानी की रेल के पोस्टर भी लग गए। ये तो मदारी है, खब्बे हाथ थाली बजावे और मुंह फेर कर बहनो भाई और बहनो इनके इन्हें नंगे कच्चे करके भेजेंगे, एक नहीं जीतेगा सारों के कच्चे पाड़ दे। पिछली बार कोरोना आया था, जब पहला वेरिएंट आया तो उन्होंने दीवे जलवाए, थाली बजवाई, हथेली ताली बजवाई, दूर हुई बीमारी। सिर्फ एक गुमराह करने वाली बात थी, जब डेल्टा आया उन्होंने कुछ नहीं करा क्योंकि अस्पताल नहीं थे, लोग मरे। अगर ये उस बात को समझ जाते, ये टोने टोक ना करवाते और सही मतलब जब मुश्किल करते ना, जब प्रबंध करते तो डेल्टा में इतनी मौत नहीं होती। गंगा नदी में ये साफ करने की बात कहते, उसमें लाशे भाई लकड़ी नहीं मिली, इतनी मौत हुई। कम से कम पता नहीं 10 लाख लोग ना मर गए हमारे देश में, जब लकड़ी उन्हें जलाने के लिए नहीं मिली, दफनाने के लिए जगह नहीं मिली, तो थोड़ा बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन आप देखिए कपिल, एक बात की मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसको आप लोग उनका चैनल कहते हैं खरीदा हुआ, उन चैनलों में से वो कह रहे थे हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था, योगी जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अमेरिका से भी अच्छी है। नहीं जी झूठ है। नहीं ये तो सुनो तो, अरे यही तो लाशे भाई उत्तर प्रदेश में ही, अगर यहाँ की व्यवस्था होती यही तो जो है जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली। और हमने जो कुछ खुद देख लिया, हमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है भाई। मुख्यमंत्री क्या करे, उनकी आवाज दूर तक बहुत जाती होगी पर गरीब की आवाज ऊपर सुने, वो प्रचार से चला संसाधन भी मुहैया नहीं चाहता हूँ जी। कोरोना काल में किसान मजदूरों के लिए, जो मजदूर बाहर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उनके लिए संसाधन भी आता है, आज के संसाधन भी नहीं जुटा सके, सर पैदल चल के गए वे घर तक। यानी किसान कुछ भी भूला नहीं, गांव कुछ भी भूला नहीं, और ये बात नहीं भूली है जिसको ये समझा। 10-10 हजार के सिलेंडर बिक गए ऑक्सीजन के, जो है इस सरकार में जो ऑक्सीजन भी नहीं मिली, इनके घर में से 2 मौत हो रही, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया। वो भी तो बड़ा फैक्ट बताओ है। कैसे भूल जाओगे फैक्ट्री की जो ऑक्सीजन थी इंडस्ट्रियल एरिया की, वह मरीजों को दे दी, उससे मौत और ज्यादा होगी। ऑक्सीजन का भी हमें पता लगा कि हमारे देश में ऑक्सीजन भी नहीं थी। अच्छा एक चीज समझना चाहते हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कि ये सारी बात, यहाँ किसान खड़े हैं, युवा खड़े हैं, आप लोग ये बातें कर रहे हैं, ये बात अन्य इलाकों में इतनी समझदारी से लोग क्यों नहीं कर रहे? देखो जी बात ऐसी है, बात ऐसी है, ये है मार्केटिंग गवर्नमेंट, हर चीज की मार्केटिंग करनी है। बहुत सी योजना थी, एक एड आता है टीवी में, फेयर एंड लवली लगाओ गोरा बन जाओ, तो इसकी भी योजना ऐसी होगी कि टोटल फैल है, स्किल इंडिया होगी, स्टार्टअप इंडिया होगी, 100 स्मार्ट सिटी, एक भी स्मार्ट सिटी हमें दिखाई नहीं दिया। हमें यह आज थी चलो भाई स्मार्ट सिटी बनेगा पहले, फिर स्मार्ट गांव बनेगा, लेकिन वो तो टोटली फेल हो गया। जब स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया तो स्मार्ट गाँव की हम कहाँ से वो कर लेगी भाई, स्मार्ट गाँव बन सकता है। फिर बात हो गई अगर ये इन्होंने स्किल इंडिया चलाई, अब जो भी स्किल्ड है, जो स्किल कर चुके हैं, जो भी रोजगार पाने के लायक है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, स्किल्ड इंडिया कहाँ से हो गया? ये सिर्फ शब्दों का खेला है, फेयर एंड लवली है बेसिकली, ये फेयर एंड लवली। अब एक बात बताओ आप, अब एक ऐड चला उसके पीछे इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने, ठंडा मतलब कोका कोला, किसी को भी आप बताओ कि ठंडा मतलब, किसी बच्चे से पूछ लो वो तुरंत कहेगा कोका कोला। लेकिन सच्चाई क्या है कि ठंडा मतलब ठंडा होता है। वही बात होगी किसानों के, उनकी वीडियो कटिंग करके एडिटिंग करके, अब किसान मतलब खालिस्तानी है, चोर है, लुटेरा है और देश को लूटने वाला है वो। इतना ही नहीं, जो दिल्ली में बैठे हो किसान नहीं, असली किसान तो गांव में, ये भी तो कहा गया था। किसान को बदनाम करा और बदनाम करके अपनी बात चाहने के, जब 1.25 साल में इन्होंने किसान का पता नहीं लिया, एक प्रधानमंत्री की आंख मत सुनी आई, आज उनका वोट चाह रहा है। ये सब बकवास ड्रामा बजेगी रहे तो बिल्कुल इनको कुछ नहीं है, बाजीगर लोग है, तो बाजीगरों की सरकार है। बड़ा कहा अच्छा नौजवान ने कि फेयर एंड लवली सरकार है, चेहरा चाहे काला रहे लेकिन नारा गोरा होने का हो जाता है। आप अभी कह रहे थे कि भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पाकिस्तान से भी खराब है। हाँ जी खराब है जी, ऐसा अनुभव रहा। हाँ जी हमारे गांव में ना तो किसी को ऑक्सीजन मिली ना दवाई मिली जी, और बिल्कुल जो सड़क पर निकल कर डॉक्टर के भी जाना चाहता, प्राइवेट अस्पतालों ने तो अपने ताले बंद करके डॉक्टर भाग गए, और सरकारी में भी नहीं मिला, कोई जाने कोशिश की तो लाठी मारी उसके पुलिस। योगी जी तो कह रहे थे कि अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नुकसान होया कोरोना से तो भारत देश को होया, और वो इस सरकार की लापरवाही से होया।
और किसान को भी सरकार की लापरवाही से ही नुकसान हो रहा। मैनेजमेंट तो पहली सरकारों ने भी करा, ऐसा नहीं था, उसमें सुनवाई थी। इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, यहाँ सिर्फ व्यापारी वर्ग और कारपोरेट घरानों का ही राज है, ना कि आम जनता की सरकार है ये। अच्छा, कोरोना का आखिरी सवाल आप लोगों से कि क्या कोरोना में जांच और इलाज में जैसे कोरोना रोगी है और नहीं है, इसको घोषित करने में बड़े खेल हुए क्या आपके इलाके में? अजी नहीं, खेल तो इन्होंने पता नहीं हमें के करे। हाँ। पर यहाँ जो है इलाज ही नहीं मिला। और कोरोना रोगी माना ना समझे नहीं, जिसका जब अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया, कर्फ्यू था, सारी बात थी, वहां तक नहीं पहुंच पाया, झोला छाप, डॉक्टरों ने इलाज करे, जिन्होंने कहा सबसे निकम्मे डॉक्टर है, उन्होंने जो है कोरोना में इलाज करे, उन्होंने ठीक करे, और एक का जिसका कोरोना हो गया, जिस घर में हो गया और वो अस्पताल तक पहुंच गया, तो उसके नहीं 2-3 लाख रुपए लगे बिना वो घर नहीं आया। जिस किसान पे या मजदूर पे वहां मार पड़गी। देखो ना, हमारे गांव में जो है एक परिवार खत्म हुआ कोरोना में, उसका पूरे गांव ने इलाज करवा, लगभग में 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहे, पति भी मरा, पत्नी मरा और एक बच्चा बच गया उनका, दोनों मर गए 15 दिन में, उनके रिश्तेदारों ने करवा और गांव ने पैसे इकट्ठा करके लगा, पर बचा नहीं पाए हम। तो सरकार कहाँ थी? सब एक बात तो बताओ, वो कोई जाट नहीं था, वो कोई मुस्लिम नहीं था, वो एक उपाध्याय समाज का था और सब ने उसका मदद करी। ऐसा नहीं है, चोट सब लगी इस सरकार द्वारा, सिर्फ मुखिया में जाट को ना बनावे। जो ये दो सवाल रहेगा, फिर से एक बार बात शुरू करते हैं, वो ये कि एक है सांप्रदायिकता और दूसरा है जाट। कहा यह जा रहा है कि पश्चिम में केवल बीजेपी के खिलाफ जाट है, इस सच को भी समझते हैं, और दूसरा ये कि सांप्रदायिकता के खेल का क्या असर रहेगा? आपको क्या लगता है कि सिर्फ यहाँ जाट ही खिलाफ है, बाकी सुखी संपन्न चल रहे हैं? यहाँ तो जी हरिजन भाई भी हैं, हमारे प्रधान भाई भी हैं, जाट भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, 36 बिरादरी का हमारा गाँव है और 36 बिरादरी में खिलाफ वोट जाएंगी, 10,000 वोट पड़ेगी बढ़त में, 8,000 वोट लोकदल को मिलेगी, गठबंधन को, भाजपा को 2,000 वोट भी मिलेगी नहीं। पूरा गांव, पूरी बिरादरी सब एक जगह है, सब त्रस्त हैं, बिजली से, महंगाई से और इनके व्यवहार से, कोई भी इनकी कोई रक्षा नहीं है। एक बाजार घूम रहे हैं, गौशाला में गाय मरण लग रही, उनको घास के पैसे नहीं देते, ये सब झूठ जुमले हैं। किसान जो है रातों पर अपनी पहरा दे रहा और ये हिंदू मुस्लिम पर वोट देना चाह रहे, वे वोट अब के नहीं मिलेगी कोई भी, सब भाई खिलाफ है। क्या सांप्रदायिकता इस बार असर नहीं करेगी? सांप्रदायिकता इसलिए असर नहीं करेगी जी, देश के गृह मंत्री दूसरा पद है देश का, और क्या उन्हें सोतीगंज और कैराना ही मिला बार बार, उसे ये सांप्रदायिक रंग ही तो देना है, और क्या है इसमें? क्यों, पलायन तो हर किसी का हो रहा, जैसे यहाँ पे सुनार भी थे पहले, सुनार अपने काम के लिए शहरों में चले गए, वो कोई वैसे पलायन थोड़ा, वो अपनी मर्जी से गए, सुनार भी थे, लुहार भी थे, जिसे जो भी अपना काम वहाँ दिखा, वहाँ फायदे का वहाँ कर लेगा अपना जा, लेकिन घर घर पर्चे जाकर बांट रहे देश के गृह मंत्री, और यह इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे सभी भाई है, सभी बिरादरी है, इनके बहकावे में आने के नियम, शामली के चेयरमैन है राजेश बंसल, उनके भाई हैं, वो शामली गए यहाँ से, उद्योगपति वो यहाँ गांव में क्यों रहेंगे? तो क्या वो प्लान करके फिर शामली से वो दिल्ली गए? उद्योगपति बड़े हो गए, वो शामली में रहते, वहाँ रहते दिल्ली में इस टाइम, तो क्या वो प्लान करके? इस प्लान को अमित शाह नहीं देख पाते, बिल्कुल झूठ, कोई प्लान नहीं, सिर्फ मुद्दों को भटका रहे, काम कुछ करा नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, सारा युवा पिटल लग रहा, बिहार में देखो आप, यूपी में देखो, जो रोजगार मांगे तो लठ मिलता है, किसान के ऊपर गढ़ चढ़ा दें, इनका सारा भंडा फूट चुका, कुछ नहीं। यहाँ मैं चाचा ने बोला, सही बोल रहा, 10,000 वोट पड़ेंगे, 8,000 गठबंधन में जाएंगे। भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत जिंदाबाद। आप लोगों ने विस्तार से सुना कि शामली के किसानों ने क्या कहा, बहुत साफ कहा कि इस बार न सांप्रदायिकता की तीर चलेगी और ना ही जुमलेबाजियों का खेल चलेगा, क्योंकि बहुत साफ हो चुका है कि ये सरकार जो डबल इंजन की है, योगी और मोदी की, क्या कर रही है। हालांकि बूथ तक जाते जाते क्या होगा यह 10 को पता चलता है, लेकिन गांव के लोगों का दावा है, जिस गांव में मैं खड़ा हूं वहां 10,000 अगर वोट हैं तो कहते हैं 8,000 गठबंधन को जाएगा। और मुख्य बात यह है कि सरकार की झूठ से, सांप्रदायिक नीतियों से, बांटो और राज करो से लोग नाराज हैं, और सबसे बड़ी नाराजगी महंगाई और बेकारी को लेकर है। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार।
जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।